गाइज, वेलकम बैक इन एसी क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। आज हम लोग केमिस्ट्री के इस क्लास में ये ग्रुप 17 के एलिमेंट की कुछ जनरल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में उसके ऑकरेंस और कुछ जनरल प्रॉपर्टी की बात किए थे, तो उसमें जनरल प्रॉपर्टी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और दो केमिकल प्रॉपर्टी की बात किए थे। आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को पूरा देखिए, समझिए, आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा रिएक्टिव प्रॉपर्टीज में कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ होता है कि चूंकि हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है और उसका नियरेस्ट गैस है हीलियम, इनर्ट गैस, तो हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनाना चाहता है अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस ऑर्बिट को, और क्लोरीन के पास भी या हाइड्रोजन ग्रुप में जो भी हैं तो सब में भी एक इलेक्ट्रॉन कम है अपने नियरेस्ट ये इनर्ट गैस से, तो इसलिए दोनों आसानी से शेयरिंग कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और इसमें हर एक हैलोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके अपना हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है जनरल। अब उस हैलाइड में ये हम जब एबिलिटी की बात करते हैं, एफिनिटी की बात करते हैं कि हैलोजन तो अलग अलग पीरियड में हैं तो किस पीरियड का हैलोजन किससे ज़्यादा एफिनिटी रखता है, तो फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ते जाते हैं तो उसकी एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन कम होती जाती है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होगा, जिसका एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा, उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो फ्लोरीन से आयोडीन की ओर कम होते जाता है। तो हम लिखते हैं कि दे ऑल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड्स, उनको बोलते हैं, बट एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, एफ से आई की ओर कम होते जाता है। हाइड्रोजन हैलाइड्स डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोहैलिक एसिड। जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जानते हैं वैसे ही हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी होता है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी होता है, हाइड्रोआयोडिक एसिड भी होता है। तो ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं वाटर में डिजॉल्व कर जाते हैं स्ट्रॉन्गली, और डिजॉल्व हो करके तब अपना ये एसिड बनाते हैं। द एसिडिक स्ट्रेंथ वेरीज, अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है तो HF का कम होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं HI की तरफ बढ़ते जाता है HF, सबसे कम उससे ज़्यादा हुआ HCl, उससे ज़्यादा HBr और उससे ज़्यादा HI। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग H+ आयन के रिमूवल से देखते हैं, तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसका उससे कम है, इसका उससे कमज़ोर है, इसका उससे कमज़ोर है, तो जिसका बॉन्ड जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। तो HF का सबसे कम, HCl का उससे ज़्यादा, HBr का उससे ज़्यादा और HI का उससे ज़्यादा होता है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो HX के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो डिसोसिएट होने की प्रॉपर्टी, चूँकि HF की बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है तो इसलिए उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी HF का ज़्यादा, HCl का उससे कम, HBr का उससे कम और HI का सबसे कम होता है, और इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसका जस्ट अपोजिट वेरिएशन दिखाता है। अब इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करें तो चूंकि हैलोजन्स ग्रुप 17 में होते हैं और ऑक्सीजन ग्रुप 16 में होता है, तो इसलिए हैलोजन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ कर कॉम्बिनेशन से। तो हैलोजन्स फॉर्म मेनी ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल, ज़्यादा उसमें अनस्टेबल होते हैं। फ्लोरीन बनते हैं और इंस्टेंटली ख़त्म हो जाते हैं। फ्लोरीन फॉर्म्स OF2 एंड O2F2, दो टाइप के बनाता है ऑक्साइड। हाउएवर OF2 इज थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन, ये रूम टेम्परेचर पर OF2 ज़्यादा थर्मली स्टेबल होता है। बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, यानी
ये किसी मेटल को फ्लोराइड उसके फ्लोराइड में कन्वर्ट करने की स्ट्रॉन्ग एबिलिटी रखते हैं। O2F2 इज यूज्ड इन रिमूविंग प्लूटोनियम एज PuF6 प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। जब न्यूक्लियर रिएक्टर में हम न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करते हैं तो उनके रेडियोएक्टिव डिकम्पोजिशन से बाय उसमें वेस्ट के रूप में प्लूटोनियम प्राप्त होता है और उस प्लूटोनियम को उससे निकालने के लिए हम लोग O2F2 का यूज करते हैं। फिर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं ये भी ऑक्साइड बनाते हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक वेरी कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के बनाते हैं। इसमें ऑक्साइड का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड इज एज I greater than Cl, Cl greater than bromine। यहाँ पर देखेंगे कि I के बाद तो जनरली ब्रोमीन आता था लेकिन यहाँ पर I के बाद Cl आया है तब ब्रोमीन आया, ब्रोमीन सबसे कम है। तो इसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि आयोडीन जो है इसमें पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए आयोडीन अपना मोर स्टेबल ऑक्साइड बना लेता है। उसी तरीके से यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑफ स्टेबल ऑक्साइड्स, स्टेबल ऑक्साइड्स। तो आई में पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड बना लेता है। क्लोरीन में ऑक्साइड जब बनते हैं तो उसका मल्टीपल बॉन्ड बनता है तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण ये भी ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन ब्रोमीन में न तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है और न ही आपका मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो दोनों का लैग के कारण सबसे कम स्टेबल ऑक्साइड ब्रोमीन का होता है। तो वही बात लिखा गया है कि ऑक्साइड ऑफ आयोडीन इज मोर स्टेबल ड्यू टू ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी, दैट ऑफ क्लोरीन इज मोर स्टेबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स एंड बॉन्ड्स। और ये बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड क्यों बनाता है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन इज लीस्ट स्टेबल ड्यू टू द लैक ऑफ बोथ अबव प्रॉपर्टी, यानी ना उसमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए उसका लिस्ट होता है। इसके बाद क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं जैसे Cl2O, Cl2O2, Cl2O6 एंड Cl2O7। तो ये हाईली रिएक्टिव एजेंट्स हैं और ये एक्सप्लोड करने की भी टेंडेंसी रखते हैं। Cl2 जो है इसको हम लोग पेपर इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के पर्पस से यूज करते हैं और वाटर ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। ब्रोमीन ऑक्साइड जो होते हैं उनमें Br2O, BrO2, BrO3 होते हैं तो ये लीस्ट स्टेबल होते हैं और लो टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करते हैं और लेकिन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं चूँकि स्टेबिलिटी कम होने के कारण ज़्यादा ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखते हैं। आयोडीन ऑक्साइड जो होता है यहाँ पर एंड जोड़ दीजिए, आयोडीन के ऑक्साइड जो होते हैं I2O4 होते हैं और I2O5 होते हैं, I2O7 होते हैं, इनसोलेबल सॉलिड हैं और ये हीट करने पर डिकम्पोज कर जाते हैं। I2O5 जो है वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका यूज हम लोग CO के एस्टीमेशन के कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टीमेशन के लिए करते हैं। अब इसके बाद इसके अगले प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगले प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल की बात अगर हम करते हैं तो हैलोजन्स चूँकि नाम से ही स्पष्ट है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हैलोजन का मतलब होता है साल्ट मेकर्स या साल्ट प्रोड्यूसर्स। तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके मेटल के साल्ट या मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। तो हैलोजन्स रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स, जैसे मैग्नीशियम के साथ अगर ब्रोमीन रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, Mg सॉलिड है, Br2 लिक्विड है और MgBr2 सॉलिड के रूप में बनता है। इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। फिर आयनिक कैरेक्टर जो हैलाइड्स के होते हैं तो ये फ्लोरीन से आयोडीन की ओर डिक्रीज करते हैं, यानी MF greater than MCl greater than MBr greater than Mi, जहाँ पर M रिप्रेजेंट करता है मोनोवैलेंट मेटल को। अब ये मेटल अगर एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने वाले हैं
तो उस कंडीशन में ये जो हैलाइड्स होते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल कोवेलेंट होते हैं उनके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले के, जैसे SnCl4, PbCl4, SbCl5 एंड UF6। तो इसमें Sn, Pb, Sb और Ew के ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हैं, तो ये ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं देन SnCl2, PbCl2, SbCl3 एंड UF4 रेस्पेक्टिवली। Sn इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है इससे, तो ये ज़्यादा स्टेबल। ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल। ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल। और ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल। फिर रिएक्टिविटी टुवार्ड्स अदर हैलोजन्स की बात करें तो हैलोजन जो होते हैं ये अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंट के साथ भी कंबाइन करते हैं और उनके हैलाइड्स बनाते हैं, इनको इंटर हैलोजन हैलाइड्स भी बोलते हैं या इंटर हैलोजन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अब उनका टाइप होता है X6-3, X6-5 एंड X6-7। तो इसमें X जो हैं वो आपके लार्जर हैलोजन हैं, यानी पीरियड में नीचे आने ग्रुप में नीचे आने वाले, और X- जो है स्मॉलर साइज के हैलोजन हैं, यानी ग्रुप में ऊपर आने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लोरीन की। ये तो जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए हैलोजन के। इसके बाद क्लोरीन के बारे में पढ़ना है, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में पढ़ना है। तो पहले क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन जो है बेसिकली गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, ग्रीनिश येलो इसका कलर होता है, और इसी के कारण इसका नाम क्लोरीन दिया गया, चूँकि क्लोरोस का मतलब होता है ग्रीनिश येलो। तो ये प्रिपेयर किया जा सकता है इनमें से किसी रिएक्शन के द्वारा, जैसे बाय हीटिंग MnO2 विथ कंसंट्रेटेड HCl। इसी रिएक्शन के द्वारा पहले बार क्लोरीन को प्राप्त किया गया था, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। लेकिन प्रैक्टिकली ज़्यादा इसके जगह पर हम लोग कॉमन साल्ट का मिक्सचर लेते हैं और उसमें H2SO4 मिलाते हैं MnO2 के साथ, तो वो रिएक्शन हो जाता है कि 4NaCl प्लस MnO2 प्लस 4H2SO4, MnCl2 प्लस 4NaHSO4 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो ये आसानी से निकल जाता है। इसके बाद HCl को हम पोटेशियम पर मैग्नेट पर भी रिएक्शन करा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे 2KMnO4 प्लस 16HCl, 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस 8H2O प्लस 5Cl2। तो ये दोनों रिएक्शन में से भी बना सकते हैं लैब में। इंडस्ट्रियली इसका प्रिपरेशन किया जाता है डिकॉम्स प्रोसेस के द्वारा, जिसमें हम लोग HCl गैस को एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, जो कैटलिस्ट का काम करता है। टेम्परेचर रखा जाता है 723 केल्विन। तो रिएक्शन होता है 4HCl प्लस O2 कैटलिस्ट हो गया, ये हीट करना है 723 केल्विन पर, तो 2Cl2 प्लस 2H2O बनते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा भी करते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसको लेकर उसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो आपको एनोड पर मिलता है क्लोरीन गैस, और कैथोड पर H2O मिलता है, और NaOH सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो चूंकि इस रिएक्शन में एल्कली के रूप में NaOH प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। सीधे भी रिएक्शन देख सकते हैं कि NaCl है, एक्वा सॉल्यूशन है, प्लस H2O इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो आपका NaOH बनेगा, H2 बनेगा और Cl2 बनेगा। रिएक्शन आप लिख सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब इसके बाद क्लोरीन के प्रिपरेशन के बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्लोरीन गैस की प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम लोग, तो क्लोरीन एक फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि एक ग्रीनिश येलो गैस है, जिसमें पंजेंट और सफोकेटिंग और स्मेल होता है, तीखी गंध होती है और दम घुटने जैसी होती है। इट इज़ अबाउट 2 to 5 times हेवियर दैन एयर एंड सोलेबल इन वाटर। वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है और HCl बनाता है। इट कैन बी लिक्विफाइड ईजिली इन टू ग्रीनिश येलो लिक्विड विच बॉयस एट 293 केल्विन। फिर इट रिएक्ट्स विथ अ नंबर ऑफ मेटल्स
एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म क्लोराइड्स, जैसे एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड, आयरन के साथ आयरन क्लोराइड, फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, और यहाँ पर 10HCl2 यानी क्लोरीन ज़्यादा होगा तो PCl5 भी बनता है, एसिड है 4Cl2 से H2Cl2 बन जाता है, तो डिफरेंट टाइप के क्लोराइड्स बनाता है मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके। फिर इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू फॉर्म HCl ड्यू टू हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। क्लोरीन को हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत फास्ट फ्रेंड है, तो इसलिए अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन दिया जाए या फिर कोई ऐसा कंपाउंड दिया जाए जिसमें हाइड्रोजन हो तो वह उनके साथ रिएक्ट करके और HCl बनाता है और साथ में जो बाई प्रोडक्ट है वो अपना निकल जाता है। इसके अब इसमें एक और विशेषता होती है कि जैसे कोल्ड और डाइल्यूट एल्कलीज के साथ अगर ये रिएक्शन करता है तो क्लोराइड तो बनाता है और साथ में हाइपोक्लोराइट बनाता है, लेकिन अगर वही हॉट और कंसंट्रेटेड अल्कलीज के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्लोराइड के साथ क्लोरेट बनाता है, यानी हाइपोक्लोराइट नहीं बनाता है। तो यहाँ जैसे रिएक्शन में देखते हैं कि 2NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया गया है, NaOH के लिए लिखा गया Cl है तो NaCl बनेगा प्लस NaOCl प्लस H2O बनता है, और यही अगर हॉट कंडीशन में लिया जाए और कंसंट्रेटेड लिया जाए NaOH को तो 6NaOH प्लस 3Cl2 मिलकर के 5NaCl प्लस NaClO3 सोडियम क्लोरेट हो गया और यह सोडियम हाइपोक्लोराइट हो गया और वाटर बनाता है। ड्राई स्लैक लाइम के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, जिसको आप 10th में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जैसे 2Cl2 है प्लस 2CaOH2 है प्लस 2Cl2 है तो CaOCl2 CaCl2 और 2H2O बनाता है। इसमें जो ब्लीचिंग पाउडर होता है तो केवल अकेले यही नहीं है बल्कि उसका पूरा कंपोजिशन होता है CaOCl2 इंटू CaCl2 इंटू CaOH2 इंटू 2H2O, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का, लेकिन मेन ब्लीचिंग पाउडर का पार्ट यही है। और ये रिएक्शन करने पर आपको जब मिलाया जाता है तो ये वाटर के साथ डीजल करने पर वाटर में मिलाने पर ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, तो नेसेंट ऑक्सीजन ही कलर को डिकलराइज कर देता है और इसीलिए ये ब्लीचिंग पाउडर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोकार्बन्स, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन से करता है, अगर सेचूरेटेड है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, अनसेचूरेटेड है तो एडिशन रिएक्शन दिखाता है और डिफरेंट टाइप के क्लोराइड कंपाउंड्स बनाता है, जैसे CH4 है प्लस Cl2 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सनलाइट के साथ रिएक्शन करके CH3Cl बनाता है, और HCl स्टेप वाइज रिएक्शन होता है जिसमें लास्ट में CCl4 भी बनता है। फिर C2H4 है Cl2 रिएक्शन करता है रूम टेम्परेचर पर डायरेक्ट, यहाँ पर चूँकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पर जुड़ करके इसका कंपाउंड बना देता है C2H4 ये Cl2, तो दोनों Cl2 दोनों कार्बन पर चले जाते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोइथेन। फिर ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है, तो ये डिफरेंट टाइप के मेटल के कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है और अपने से हायर वैलेंसी वाले में कन्वर्ट करता है, जैसे 2FeSO4 फेरस सल्फेट है तो यहाँ फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, सोडियम है तो सोडियम सल्फाइट है तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है H2SO4 और HCl बनाता है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करके फिर HIO3 और HCl बनाता है। इसके बाद ब्लीचिंग एक्शन की बात करें तो क्लोरीन वाटर के साथ मिल करके और HCl बनाता है और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी कलरिंग सब्सटेंस के साथ जब मिलता है तो वहाँ पर उसको डीकलराइज कर देता है, यानी कलरलेस कंपाउंड बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्लोरीन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात किए, अब इसके बाद क्लोरीन का कुछ यूज नोट कर लेते हैं और इसके बाद क्लोरीन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन का यूज हम लोग ब्लीचिंग के लिए ज़्यादा करते हैं, जिसमें वुड पल्प है, कॉटन इंडस्ट्री, पेपर मिल इंडस्ट्री में, कॉटन इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका ब्लीचिंग करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं। फिर ये गोल्ड और प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है,
डिफरेंट टाइप के डाई ड्रग्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं, जैसे CCL4, CCL3, DDT, रेफ्रिजरेंट्स, ये सब बनाने के काम में आता है। फिर ये ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर डिफरेंट टाइप के पॉइजनस गैस है, जैसे फॉस्जीन है, COCl2 टीयर गैस है, CCl3NO2, या मस्टर्ड गैस है, CLCH2, CH2SCH2, CH2Cl, इस सब के कॉम्बिनेशन में है। और इसके साथ भी इसे बहुत तरह के कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने क्लोरीन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखा, उसके कंपाउंड्स को देखा, उसके प्रिपरेशन को देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोजन कोलाइड और ऑक्सो एसिड्स, डिफरेंट टाइप के क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स हैं, उसको देखेंगे। इसके बाद कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात करेंगे, और तब इसके बाद हम लोग ग्रुप 18 के एलिमेंट की बात करके पी ब्लॉक को पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हाइड्रोजन कोलाइड और ऑक्सो एसिड के साथ। अगर संभव होगा तो उसी वीडियो में हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की भी बात करेंगे। तो वीडियो को आप देखते रहिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।